आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पितरों का भी नहीं पता, हमने पितरों का स्थान भी नहीं बना रखा, ऐसे में हम पितरों की पूजा कैसे करें, सेवा कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, जल कैसे दें। एक एक चीज आपको बताई जाएगी बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से। जिन लोगों ने स्थान बना रखा है, पहले से पूजा पाठ करते आए हैं, उनके लिए तो पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आपको आपके पितरों का नहीं पता तो आप नियम बनाओ 41 डेज का, 41 दिनों का। 41 दिनों तक लगातार सुबह सूर्य को जल दो, रविवार को छोड़कर, एकादशी को छोड़कर तुलसी में जल दो, रविवार को छोड़कर पीपल के अंदर जल दो, आसपास कोई बेलपत्र है तो बेलपत्र में हर रोज जल दे सकते हो, वहां किसी दिन किसी समय की कोई सीमा नहीं है, वो आप दे सकते हो। अगर आसपास कोई भी शिव मंदिर है, शिव मंदिर में चले जाओ, एक दीपक ले जाओ, उसके अंदर दो बातें लगाओ, भगवान शिव और माता पार्वती के नाम की, घी का दिया जलेगा, दिया जलाओ, हाथ में जल लेके संकल्प करो कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या मेरे पति का नाम ये है। कोई भी कर सकता है इस काम को, अनमैरिड लड़कियां नहीं करेंगी, ये याद रख लेना। मेरे पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और इस समय मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज अभी इसी समय मैं आपको अपने पितर रूप में स्वीकार करता हूँ, भगवान शिव आप मेरे पितर, माता पार्वती आप मेरी पितरानी हो, मेरे घर की जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं उन तक इस जल को पहुंचाओ, इस दीपक को पहुंचाओ, जो भोग लाए हैं उस भोग को पहुंचाओ, या तो हमें हमारे पितर सौंप दो या आज हम इसी समय से आपको पितर मान लेते हैं, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो, वहीं पर दीपक जलाओ, वहीं पर जो भोग लेके गए हो वो लगाओ, वहीं पर जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। आप लगातार 41 डेज तक ये काम करो, 41 दिनों के अंदर अंदर कितना भी बड़ा पितर दोष क्यों ना हो समाप्त हो जाएगा। अब कुछ महिलाएं हो सकता है ये कमेंट कर दे कि मासिक धर्म की प्रक्रिया के दौरान उस समय घर के किसी अन्य सदस्य को भेज दो, लेकिन अनमैरिड लड़कियों से मत करवाना ये काम, ये याद रखना। फिर उनके साथ, क्योंकि अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं उनके साथ वैसे तो दो घरों के पितरों का घर होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए उनको ये काम। मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों से कि आप ये काम अनमैरिड लड़कियों से मत करवाना, बाकी घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। कब करें, कोशिश करो शाम के समय, शाम के समय जाओगे ना बहुत अच्छा रहेगा, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, जब मंदिरों में आरती होती है उस समय पर अगर वहां दीपक जलाओगे तो जैसे वहां प्रकाश होगा वैसे ही आपकी जिंदगी में प्रकाश हो जाएगा। यह है शाम का विधान, भगवान शिव का विधान। उसके साथ गौ माता को रोटी दो, एक रोटी उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख के दूसरी रोटी ऊपर लगाओ, अगर पुरुष दे रहा है तो एक रोटी दे, महिला दे रही है तो दो रोटी दे, और गौ माता को दे दो कि हे मेरे पितर महाराज, आप जहां भी हो गौ माता के माध्यम से भोजन स्वीकार करो। किसी भी चीज में नेगेटिविटी आ सकती है, गौ माता के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती तो आपका भोजन सही जगह पर ही पहुंचेगा। कुत्ते को रोटी खिलाओ पितरों के नाम से कि हे मेरे अच्छे व सच्चे पितरों, भोजन स्वीकार करो। ये तो है कि एक प्रकार से आदर्श रूप से सेवा करना पितरों की, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप एक और बहुत ही अच्छा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो वो चीज़ आपके पितरों के पास पहुंचेगी, लेकिन यह कार्य होगा सिर्फ अमावस्या के दिन। जो और पहले की बात बताई गई है वो आप कभी भी किसी भी समय से शुरू कर सकते हो, कोई परहेज नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अमावस्या के दिन अगर आप एक काम कर देते हो तो आपका भोजन, आपका जल पितरों तक 100% पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? अमावस्या के दिन शाम के समय जब लगे कि सूर्यास्त हो चुका है, सूरज ढल चुका है, उस समय कोई भी एक पत्ता ले लो, पत्ता पीपल का, वटवृक्ष का, बेलपत्र का, आम का, अशोक का, जो भी आपको पत्ता मिले वो पत्ता लिया हुआ मान के चलो ये पत्ता है हमारे पास, ठीक है। घर के बाहर, अपने घर के बाहर जहां भी आप रहते हो, जहां लगे कि यहां हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पड़ोसी ये सोचे कि ये क्या टोना टोटका कर रहा है, उसकी जिम्मेदार आप लोग होगे, मैं नहीं हूंगा किसी भी प्रकार से। घर के बाहर जब आप बाहर से अंदर आओगे तो अपने राइट हैंड साइड की तरफ, बाहर से अंदर आओगे तो राइट हैंड साइड की तरफ जो आपका घर है वहां पर उस पत्ते को आप रखोगे ऐसे। अब लगे कि यहां नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, और इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई, फिर मैं भूल जाऊंगा, कि रविवार के दिन पीपल के नीचे मत जाना, बस हो सकता है बाद में मैं इस बात को ना बोल पाऊं, ये पत्ता हमने रख लिया घर के बाहर या किसी भी मंदिर में। उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा, पत्ता रखोगे, उसके बाद एक दीपक रखोगे, इसके ऊपर दीपक रख, पत्ते के ऊपर, इसलिए बोला कि बड़ा पत्ता ले लेना, दीपक रख दिया, दीपक के अंदर एक खड़ी बाती का प्रयोग होगा, घी का दीपक जलेगा, लंबी खड़ी बाती नहीं, भाई माफी चाहूंगा, लंबी बाती का प्रयोग होगा दीपक के अंदर, ये पत्ता है, ये दीपक है, लंबी बत्ती है, इसके ऊपर हम भोग रख देंगे,
इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद ये सिंपल साधारण चीज है भाई, पत्ता है, ये दीपक है, ये भोग है, रख दिया। दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक जला दिया, उसके बाद हम अपने हाथों में जल लेंगे, इसके चारों तरफ जल का छिड़काव करेंगे, चारों तरफ। अब ये लोक हो चुका है, जरूरी नहीं हम लोक के अंदर आएंगे, आना चाहो तो आ भी सकते हो, बाकी इसको लोक करना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रार्थना करनी है हाथ में जल लेके, आप बैठकर भी कर सकते हो, आप खड़े होकर भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। हे श्री विष्णु भगवान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, पुरुष है तो पिता का नाम बोलेंगे, महिला है मैरिड महिला वो पति का नाम बोलेगी, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, इस समय इस जगह पर रह रहा हूँ, मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हे श्री विष्णु भगवान, यह भोग दिया गया है, इस भोग को आप स्वीकार करिए और मेरे पितरों तक इस जल को, इस भोजन को और इस दीपक को पहुंचाइए, यह जिम्मेवारी आपकी है। चाहकर भी कोई गंदी शक्ति इसको ग्रहण ना कर पाए, इसके लिए भी आप जिम्मेवार होंगे। इतना बोलकर जल छोड़ दो। अब लगे कि आसपास कोई वृक्ष है तो उसके अंदर इस जल को समर्पित कर दो, वृक्ष नहीं है तो जो घर के बाहर मतलब आपके गेट की जो दीवार है राइट साइड की, उस दीवार के अंदर इस जल को डाल दो। लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डाल नहीं सकते, तो इस जल को वहीं पर आसपास छिड़काव कर दो। बस यह जल, यह भोजन, यह दीपक आपका, आपके पितरों तक पहुंच जाएगा विष्णु भगवान के जरिए। आपको तीन अमावस्या को यही काम करना है। तीन अमावस्या से पहले पहले जो भी आपके पितर, जो भी आपके पूर्वज आपकी सेवा चाहते हैं, वो सौपन के माध्यम से आपसे संपर्क करेंगे। अब सौपन के माध्यम से वो ये तो है नहीं कि आपके सामने आ बैठेंगे और बता देंगे मैं वो हूँ, कर ले ये काम, ये हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपको कोई संकेत देंगे, हिंट देंगे, हिंट आपको पकड़नी होगी। मान के चलो किसी आपके पूर्वज का नाम हनुमान है, तो हो सकता है आपको बाबा हनुमान के दर्शन होने शुरू हो जाएं। लगे उनका नाम किसी का रामचंद्र है, तो हो सकता है प्रभु श्री राम के दर्शन या भगवान राम से जुड़ी हुई कोई बात या किसी भी ऐसी चीज आपके सामने आने लगे, तो समझ जाना आपके पितर आपको संकेत दे रहे हैं। एक बार नहीं, तीन चार बार संकेत दिए जाएंगे, बस पकड़ कर लेना उस चीज की कि हाँ वहां से ये संकेत मिला है तो यहाँ से मेरा काम चलेगा। और हर अमावस्या को आप ये काम करो, कम से कम तीन अमावस्या को, किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर आप पिंडदान तर्पण भी करवा दो ताकि उनको शांति मिल सके। जब वो शांत हो जाएंगे, आपके घर का माहौल अपने आप शांत हो जाएगा, आपके कुल देवी कुल देवता आपके घर में स्थायी निवास बना लेंगे और आपका काम चल पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी वीडियो देख के काम किया था, अब बताइए ठाकुर जी ने काम हमारा सुन लिया है, मौज कर दी है, अब हम क्या सेवा करें। एक ही सेवा है, जिस प्रकार मैंने अपने घर में बैठकर लाखों लोगों तक वीडियो पहुंचाई है, उसी प्रकार आप भी बेशक घर घर जाके वीडियो को पहुंचाओ। आपके भी व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे आपके घर परिवार के, वो भी तो परेशान है, उनके पास भेजो। कुछ लोग बोल लेते हैं कि मजाक बना लेते हैं, कोई नहीं, कितने दिन बनाएंगे मजाक, आज वो आपका मजाक बना रहे हैं, कल प्रकृति उनका मजाक बना के रख देगी। नोट कर लेना भाई, खुद पर बीती हुई बात आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ क्यों जुड़े हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है, आइडेंटिटी बताता है, चेहरा दिखाता है, करके दिखाता है, जो भी बात होती है वो हमने करके देखी है तो उसका रिजल्ट भी मिला है, क्योंकि भाई आप पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो करते रहिए सेवा। जय श्री श्याम।